साधारण औरत जो घर चलाना जानती है वो महापौर पद यूं चलाएगी, यूं। औरंगाबाद की जनता आपकी पार्टी पर आपसे भरोसा करती है, यहाँ पे महानगर पालिका में आपका महापौर बिठा दी है, तो आप कितने दिनों में जो है तो पानी की समस्या दूर करेंगे? आखिरी सवाल था पहले दिया था। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ। समझ लीजिए कि आप पार्लियामेंट के MP बन गए, ऐसे नहीं होता है। एक सर्वसाधारण गृहिणी, घरवाली जिसको बोलते हैं ना, वाइफ, ये वाइफ हमसे बेहतर राजनीति कर सकती है, हमसे बेहतर राजकारण चला सकती है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, ठीक है। एक सादी गृहिणी भी इस समस्या को 2 दिन के अंदर सॉल्व कर सकती है। मेरे को छोड़ दो, मैं तो कचरा हूँ। सर, आज आप महानगर पालिका के सामने बैठे, क्या विषय, क्या बात है जो आपको बैठना था? महानगर पालिका कार्यक्षेत्र में पीने के पानी की समस्या आप सबको बखूबी मालूम है। 8-8 दिन को पानी एक बार आता है बड़ी मुश्किल से, और उसके साथ में बहुत जगह पे तो अभी ख़राब पानी आने लग गया है, बासी पानी आता है, जैसे N11 हो गया, ऐसे इलाकों में। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अगर काम करना है तो उसके लिए बजट रखने की ज़रूरत है। ये जो सारी किताबें यहाँ देख रहे हैं आप, ये गए 10 साल में महानगर पालिका ने कितना पैसा जमा किया और कितना पैसा खर्च किया, इसके सिलसिले की जो किताबें महानगर पालिका देती है वो ये किताबें हैं। इसका अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि महानगर पालिका ने तकरीबन 6,288 करोड़ रुपया जमा किया है और 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। जो 6,000 करोड़ खर्च किया है उसमें सिर्फ 650 करोड़ पानी के ऊपर लगाया है। ये जो 6,288 करोड़ जो जमा हुए उसमें सिर्फ 1,000 करोड़ पानी पट्टी और घर पट्टी के है। मगर 1,000 करोड़ होने के बावजूद भी पानी पट्टी इतना लेकर के भी पानी के ऊपर सिर्फ 652 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मेरा कहना ये है, इस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा और पानी के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इस साल का किताब मेरे पास महानगर पालिका का आप देख रहे हैं, इसमें भी इनका कहना है कि हम 1728 करोड़ रुपए जमा करने वाले हैं इस साल और 1726 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आप 1726 करोड़ यहाँ खर्च कर रहे हैं तो पानी के ऊपर कितना कर रहे हैं? पानी के ऊपर इस बजट के अंदर सिर्फ 112 करोड़ रुपए दिखाया गया है। तो अगर ये बात है तो फिर ये मसला सॉल्व कैसे हो सकता है? इसके लिए पानी के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। तो मैंने डिमांड रखी है महानगर पालिका के पास कि एक तो पिछले 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 80% पैसा आपका बिना पानी पट्टी और घर पट्टी के आ रहा है, और आप पानी के ऊपर 5% भी खर्च नहीं कर रहे हो। तो चुपचाप से घर पट्टी पानी पट्टी कलेक्ट करना छोड़ दो, माफ़ कर दो, और जो 80% तुमको बिना घर पट्टी के पानी पट्टी के मिल रहा है उसमें से पानी के लिए पैसा ज़्यादा खर्च करो। और जब तक आपका पानी का मसला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता शहर का, तब तक पानी पट्टी मत लो और चुपचाप से ये पैसा पूरा का पूरा उधर लगाओ, पानी परोठा के ऊपर लगाओ। बाकी के जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा रिलैक्स रखो, थोड़ा कम पैसा खर्च करो और इसके ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करो। तो ये मेरी डिमांड है, और तब तक जब तक ये पूरा मसला सॉल्व नहीं हो जाता आप टैंकर्स लगाओ। प्राइवेट टैंकर्स तो हर बंदा ले रहा है आजकल शहर के अंदर, क्यों ले रहा है भाई? जब हम पानी पट्टी भर रहे हैं तो प्राइवेट टैंकर क्यों लगा रहे हैं? तो प्राइवेट टैंकर बंद करो और सारे प्राइवेट टैंकर्स को आप महानगर पालिका में लगाओ, और महानगर पालिका पैसा देगी और प्राइवेट टैंकर लोगों के घरों में जाएगा, ऐसी व्यवस्था करो। लेकिन ना सर, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, आपको याद होगा कि अपने जो माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, उन्होंने भी इसके बारे में समर्थन मांगी, जिससे जो है तो लोगों को रोज पानी मिलने वाला था, लेकिन उसमें भी 2 घट हो गए थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आने के बाद भी लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। स्कीम आती है लेकिन रोकने का काम भी नेता ही करते हैं, स्कीम भी लाते नेता ही है। महानगर पालिका इस चीज़ क्या करें? देखिए, महानगर पालिका कोई अलग चीज़ नहीं है, महानगर पालिका नेता ही कंट्रोल करता है।
महानगर पालिका क्या करेगी, ये कौन सा सवाल हुआ? महानगर पालिका में तो नेता ही बैठा हुआ है ना, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा उठपटांग सा सवाल मत कीजिए, नेता ही कंट्रोल करता है महानगर पालिका। सवाल ये है कि ठीक तरह से सवाल पूछिए, नेता स्कीम लेकर आता है और दूसरे पार्टी का नेता उसको रोकने में लगा रहता है। बात ये देखिए, ये बात महानगर पालिका और नेता अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है। महानगर पालिका महापौर चलाता है, आज महानगर पालिका राज्य सरकार चला रही है, राज्य सरकार नेता चला रहा है, महानगर पालिका नेता चला रहा है, ठीक है। अब ये समांतर का जो बात है वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्या उसमें दिक्कतें हैं, डिपार्टमेंट जाने, सरकार जाने, मगर पानी नहीं मिल रहा, ये बात सही है, ये हम लोगों की बात है। हमारा कहना इतना है कि भाई तुम समांतर का पैसा ला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, उधर हमको कुछ नहीं लेना देना, मगर हम अगर पानी पट्टी भर रहे हैं तो हमको पानी चाहिए। तो अगर आपको पानी, अगर हमारा कहना बहुत स्पेसिफिक है, अगर पानी हमको चाहिए हम जाहिर बात करेंगे कि भैया इसको तुम पैसे नहीं दे रहे हो, उसको पैसे दो, ठीक है। अभी ये बजट बुक्स कह रही हैं कि हम 112 करोड़ रुपए ही देंगे, क्यों देंगे भाई, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। जैसे घर में नल खराब हो जाता है तो आप पर्दे नहीं लगाते, पैसे नहीं होंगे तो आप पहले नल ठीक करते हो, क्योंकि नल रहेगा तो पानी रहेगा, पानी रहेगा तो जिंदा रहेंगे, पर्दों से थोड़ी जिंदा रहने वाले। तो आज वही चीज़ महानगर पालिका को करनी चाहिए, पानी पे पैसा खर्च करो। अगर ये समांतर भी तुम खर्च करते हो, हमने तो वो भी लिख रखा है कि भाई समांतर वाला जो चीज़ है, आज 93 करोड़ रुपीज़ इनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, इनकी किताब में लिखा हुआ है, देखिए दिखाता हूँ। इसमें इसका कट ले लेना और एक बार, ठीक है। ये केंद्र शासन पुरस्कृत योजना में यहाँ पे देखेंगे, समांतर जलवाहिनी केंद्र शासन हिस्सा 80%, इसमें इनको प्राप्त अनुदान देखिए 22-23 में 143 करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और ये है 17 करोड़ 94 लाख, ठीक है, ये इनको मिल चुका है। और 15/5/2021 का जब क्लोजिंग हुआ तो इन्होंने खर्च किया है 50 करोड़ यहाँ पे, और इनका जो बचा है रकम वो ये 93 करोड़ यहाँ पे और 1 करोड़ 79 लाख, मतलब 94 करोड़ शिल्लक देय रक्कम व्याज वगळून एवढे पैसे आत्ता सध्या त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत। कशासाठी? समांतरसाठी। हे उपलब्ध आहेत तर हे काय शिजवत आहेत का, त्याच्यावरती अंडे देत आहेत का, हे खर्च का करत नाही? खर्च करा, हे जर खर्च केले असते तर टाक्या तयार झाल्या असत्या, टाक्या तयार झाल्या असत्या, पाणी साचलं असतं, लोकांना दररोज पाणी मिळालं असतं, का करत नाही? कशाला ठेवलेत पैसे हे अकाउंटवरती? माझं म्हणणं आहे पैसे खर्च करा, प्लस जे बाकी औरंगाबाद शहर आया है, मुझे स्मार्ट सिटी और ये हवा की बातें नहीं समझ में आती है। मुझे इतना समझ में आता है आज की क्या परिस्थिति है, बड़ी बातें बड़ी चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आती है। मैं रस्ते पे का आदमी हूँ, मेरे को पानी नहीं मिल रहा, मेरे को इतना समझता है। और मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है कि पानी के ऊपर इनके पैसा ही नहीं लगाया हुआ, और जो पैसा इनको गवर्नमेंट ने दे रखा है वो साला इतना पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर। लिखी किताब कह रही है, मैंने आपको दिखाया अभी, क्यों पड़ा है अकाउंट में? मैं कह रहा हूँ खर्च करो। अच्छा, उन पार्टियों को आप क्या जवाब देंगे जो हर इलेक्शन में जो है तो पानी के ऊपर राजनीति करते हैं कि मैं अगर चुन के आता हूँ तो मैं जो है तो पानी जो है तो औरंगाबाद शहर को डेली करूंगा, या जो भी है पाइपलाइन लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब चुनकर आते हैं तो वो चीज़ को भूल जाते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहें? किसी खासदार इम्तियाज अलीम भी जो है तो पानी के मुद्दे पर ही चुनकर आए। किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले वो क्या कहता है, इससे ज़्यादा उसने अभी तक क्या किया है, इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत होती है। सब्ज़ी खरीदते हुए भी आप चेक करते हो, नेता को वोट देते हुए नहीं चेक करते हो, ये सबसे बड़ी दुखी बात है। जिसने अभी तक जो किया है वही आगे करेगा, ठीक है। अभी अगर ये आपके जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे शहर में काम करती हैं, इनके तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के नगर सेवक हैं, ठीक है। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिनका एक भी नगर सेवक नहीं है, सारों का कुछ ना कुछ है।
अब इन नगर सेवकों ने अभी तक क्या किया है, ये इस बजट बुक के हिसाब से देखा जाए तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आप यहाँ बैठे एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी एमएलए एमपी साहब यहाँ पे लोकल के हैं, उन्होंने कितना पैसा पानी के ऊपर लगाया, ये भी तो बात देखने की ज़रूरत है। गए तीन साल में इन्होंने अपने एमएलए फंड से एमपी फंड से कितना पैसा शहर के पानी के लिए लगाया है, अगर लगाया होगा तो जायज़ बात है कि महानगर पालिका देंगे तो लगाएंगे, नहीं लगाया होगा तो भरोसा करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी आप एमपी एमएलए हो यहाँ के लोकल के, और आपने अगर तीन साल में आपके एमपी एमएलए फंड से एक रुपया भी पानी के लिए नहीं लगाया है तो आपका क्या भरोसा कि आप लगाएंगे आगे। वो मैं आपको अभी कॉपी देने वाला हूँ, जेरोक्स के लिए गई है, कि तीन साल में इम्तियाज़ भाई ने, अतुल भाई ने, अंबादास भाई ने, भागवत भाई ने, जयसवाल भाई ने, संजय शिरसाठ भाई ने कितना पैसा, जयसवाल साहब तो बोल रहे कि आप यहाँ से आगे विकास होगा, कितना पैसा, नहीं नहीं नहीं, तो तीन साल से तो एमएलए क्या बोल रहे हैं आपका, तीन साल से एमएलए बैठे हुए हैं ना एमएलए, तो यहाँ से आगे विकास होगा, तीन साल से जो एमएलए बैठे हुए हैं उनका एमएलए फंड तो रहता है ना, ठीक है आपको गवर्नमेंट ने नहीं दिया होगा पैसा, मगर बाय डिफॉल्ट जो आपका एमएलए फंड मिलता है आपको वो तो मिलता ही है, नहीं मिलता है क्या, कोई भी नेता हो जो एमएलए है उसको एमएलए फंड है, विरोधी पार्टी का हो सत्ताधारी पार्टी का हो, देखने की बात यह है ये जो एमएलए फंड इनको अभी तक मिला है ये इन्होंने खर्च कहाँ किया है, अगर इन्होंने खर्च किया है पानी के ऊपर तो हम मान सकते हैं कि इन्होंने आगे ये करने वाले हैं। अरे खुद का आपका जो एक्सपेंडिचर है अगर उसी में आप पानी का नहीं दिख रहा है कुछ कहीं उल्लेख, सारा सीमेंट रोड ही सीमेंट रोड पड़ा हुआ है तो आपको कैसे भरोसा किया आप पे। एक सादा सवाल है मेरा, देखिए अपन कितना फायदा उठा सकते और कितने जल्दी जो है तो औरंगाबाद शहर के पानी की समस्या दूर हो सकती है अगर महानगर पालिका ने दिल पे लिया और यहाँ के जो एमएलए है एसपी है वो दिल पे लिया। बड़ी मुश्किल से 15 दिन में, और इसकी बात कर रहा हूँ मैं नई वाटर सप्लाई स्कीम की बात कर रहा हूँ, अगर पानी देने की बात है तो 2 घंटा दीजिए, 2 घंटा मेरे को बना दीजिए 2 घंटा, ये मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं आप भी करोगे, और आप और मेरे से ज़्यादा पता है कौन करेगा, ये हमारी घरवालियाँ करेंगी, क्योंकि घर में जब पानी नहीं आता है तो उनको पता होता है क्या करना है, ठीक है बागल से जाके लेके आएंगी, देहात में तो बावड़ी से जाके लेके आएंगी औरत, भाई घर में पानी नहीं है तो औरत कितनी परेशान होती है, ठीक है उनको अगर बिठा दिया ना यहाँ पे 2 घंटे में सॉल्व कर देंगे, वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको क्यों व्हाई टक्केवारी, अरे भाई मार्केट में मेरे को किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई अगर सीमेंट रोड बनवाओगे तो 15% देंगे, पानी का काम दोगे तो 5% देंगे, तो नेता तो बोलेगा ना भैया मेरे को 15% चाहिए, तो पानी का क्यों करूं मैं, 15% मेरे को मिल रहा है 10% लूज कर दूं क्या, पानी की जो टाँकियों का काम चालू है औरंगाबाद में तकरीबन 100 के करीब टाँकियां बन रही है और अभी काम चालू है, आपको लगता है उसमें भी टक्के वाली, देखिए वो जो चल रहा है मुझे लगता है कि वो समांतर का काम है, बजट का काम है, समांतर का काम किधर और खर्च करेंगे आप, चुपचाप से आपको उस पर ही खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो तो काम ही वो है, मगर जब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि मेरे पास 100 रुपये दिया है किधर क्या लगाना है, तब आप क्या करते हैं इसमें से आपको फितरत समझ में आती है, अगर आप 100 रुपये में से 5 ही रुपये लगा रहे हो वाटर सप्लाई के लिए और 95 रुपीज़ आप सीमेंट रोड के लिए लगा रहे हो जबकि आपके घर में पानी नहीं है तो क्यों क्यों ऐसा, आप लगाइए ना 50 रुपया, तो 50 रुपया नहीं लगाने का कारण क्या है, एक ही है परसेंटेज, ऐसा मुझे लगता है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि साहब सीमेंट रोड बनवाइए 15% मिलेंगे, पानी पुरोठा बनवाइए 5% मिलेंगे, बताइए चाहिए कितना आपको, बगल वाला एक नेता था बोला यार 15% मिल रहे मैं वो ले लेता हूँ। एक सीधा एक साधा सवाल है, आप यहाँ पे बैठे
किसको जागरूक करना चाह रहे हैं आप, महानगर पालिका को, औरंगाबाद शहर की जनता को, या जो MLA MP थे? सबको, सबको, मैं सबको जागरूक करना चाहता हूँ। देखिए, ये किताबें लोगों के हाथ में नहीं लगती हैं, क्योंकि ये किताब होती है ये किसी को पता नहीं है। कम से कम इस आंदोलन से लोगों को समझ में आए कि किताब भी होती है हिसाब की, जैसे घर के हिसाब की किताब होती है, पगार कितनी आ रही है और खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये वही किताब है। सिर्फ घर की नहीं है, महानगर पालिका की है, पगार कितनी आ रही है, खर्च कहाँ हो रही है, ये समझ में आ जाए लोगों के। ये एक है, जो यहाँ पे महानगर पालिका के अधिकारी हैं जो मस्ती आए हुए हैं, उनको भी समझ में आ जाए चोरी कर करके होने वाला नहीं है, ठीक है, जिसको समझ में आता है वो बैठ गया वहाँ पे। और नेताओं को भी समझ में आना चाहिए कि अगर ये जनता को समझ में आ गया तो साला हमारी खटिया खड़ी कर देंगे जनता, ठीक है, क्योंकि जनता पूछना चालू करेगी, पैसे कहाँ लगाए तुमने, हिसाब दो, बाकी बकवास मत करो कि ये बचेगा तो वो होगा, उससे खतरा नहीं, इससे खतरा है, खत्म करो, हिसाब दो पैसे का। इससे एक चीज याद आई मेरे को, साल में सिर्फ 24 दिन पानी मिल रहा है, 365 दिन में से सिर्फ 24 दिन पानी मिल रहा है और पूरे साल का टैक्स लिया जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहें? मैंने उनको बोला है कि घर पट्टी पानी पट्टी माफ कर दीजिए, क्यों ले रहे हैं? और अगर हम पैसे भर रहे हैं आपको तो फिर हम प्राइवेट टैंकर क्यों ले रहे हैं? अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हम प्राइवेट टैंकर क्यों ले रहे हैं भाई? आपको पैसे दे रहे हैं, आप टैंकर भेजिए, और अगर टैंकर नहीं भेज रहे तो पैसा मत लीजिए। जनता को क्या कहेंगे आप? मैं जनता को ये कहूंगा, मराठी में एक कहावत है, गाव करी त्याला राव काय करी, त्यामुळे जर राव फेल गेले तुमचे तर गावानी करा, कारण प्रश्न गावाचा आहे, रावाचा नाही आहे। गावानी ठरवावं आणि करावं, कसं मी सांगतो, पुस्तकं आहेत ऐकायला या, वाचा आणि करून घ्या। आता तुम्ही महानगरपालिका समोर बसून महानगरपालिकेला सांगतात, आता सरकार फेल झालेली आहे, शिंदे गटाला तुम्ही काय सांगणार? तेच सांगणार, पाणीबद्दल काय सांगणार? तेच सांगणार जे तुम्हाला सांगतोय, तरतूद वाढवा। आता प्रशासक आहे ना, मला वाटतं का आता डेव्हलपमेंट होणार शिंदे गटाला? मला नाही माहिती, मला नाही माहिती होणार की नाही होणार, मी मागणी मागतोय, मला काहीच माहित नाही, मला नाही माहिती, कदाचित त्यांना कळत आहे का नाही कळत आहे मला ते पण नाही माहिती। मी माझी मागणी मागतोय, पुराव्याविषयी मागतोय, पुरावे कोणाचे? महापालिकेचे पुरावे, मेरे घर के नाही ना भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रूफ से, मेरे कहाँ प्रूफ से? मैं पुरको बोल रहा हूँ भैया, ये पुरावे मेरे, खत्म करो, दे दो पानी हमको। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर से आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका कदम क्या रहेगा औरंगाबाद की जनता के लिए, क्या आप रोड पर उतरेंगे, रास्ते पर उतरेंगे? देखिए अपनी पार्टी क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मैंने एक टाइम लैग बनाया हुआ है, मैं कम से कम एक महीना तो यहाँ से नहीं हटूंगा बॉस, ठीक है, एक महीना यहाँ से नहीं हटूंगा। बीच में अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लग जाता है, ये लोग हाथ ऊपर कर देंगे, बोलेंगे अब तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गई, और बिस्मिल्ला कर देंगे मेरा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ और बिस्मिल्ला किया मेरा, तो मैं लोगों को बोलूँगा भैया ये बिस्मिल्ला करते हैं चोरे साले, चलो मैं करता हूँ, लगाओ कैंडिडेट और लो हाथ में। लेकिन आपका पहला ऐसा आंदोलन आप देख रहे हैं कि आपके पार्टी का बैनर नहीं है, मैं यहाँ पे सर्वसामान्य नागरिक बोल करके बैठा हूँ, पार्टी की तरफ मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बैठा, मैं अपने खुद के पानी के मसले को लेकर के यहाँ बैठा हूँ, और मैं सिर्फ ये आंदोलन कर रहा हूँ, घोषणाबाजी दे रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। ये भी सुनने में आ रहा था कि आपके जो कैंडिडेट यहाँ पे उतरेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे महानगर पालिका, बिल्कुल, तो ये क्या इलेक्शन स्टंट तो नहीं है आपका? ये किताबें हैं सारी की सारी, ये पूरी किताबें हैं, मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, एजुकेटेड लोग इसको पढ़ें, पढ़िए, अगर आपको पता चला कि हर्षवर्धन यादव गलत बोल रहा है यहीं जूता मारिए। चलते चलते ये बता दीजिए कि महानगर पालिका में आपके पार्टी के तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं? अगर इन्होंने ये सॉल्व कर दिया मसला पानी का, नहीं खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, ले लीजिए रिकॉर्डिंग, अगर नहीं सॉल्व किया तो डंडे दूंगा, देने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जो भी
पानी का मसला सॉल्व करने की जो यहाँ पे मालूमात लेकर के बैठा हूँ, हवाबाजी नहीं है, बोल बच्चन नहीं है, टेक्निकल है, प्रूफ्स हैं, महानगर पालिका के प्रूफ्स हैं, हर्षवर्धन यादव के घर के प्रूफ नहीं है। मैं तो पहले ये कहूँगा आवाम को कि आके बैठो, पढ़ो, समझ के लो मसला क्या है, क्या बोल रहा है ये, या सिर्फ स्टंडबाजी कर रहा है, इसके पास कुछ मटेरियल है या सिर्फ चिल्ला रहा है, पहले ये करो, समझ के लो। ये पूरा किताब यहाँ पे क्यों रखा है, किताब यहाँ पे भाषण करने को नेता को किताब विताब नहीं लगता है? चार कार्यकर्ता बुलाओ, घोषणा दो, इसका मुर्दाबाद, इसका जिंदाबाद, ठीक है, ये काम करता है नेता। ये किताब लेके कोई नेता बैठा है आज तक? मैं बैठा हूँ, तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप किताब पढ़ो, समझ के लो, और अगर तुमको लगता है कि गलत बोल रहे हैं तो यहाँ सवाल करो, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। मान लीजिए और अगर नहीं हुआ है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो फिर तो हम तो इलेक्शन, क्योंकि फिर क्या ऑप्शन है सर? मान लीजिए अगर औरंगाबाद की जनता आपकी पार्टी पर आपसे भरोसा करती है, यहाँ पे महानगर पालिका में आपका महापौर बिठाती है, तो आप कितने दिनों में जो है तो पानी की समस्या दूर करेंगे? आखिरी सवाल खत्म। ये किताबें जो मैंने अभी आपको यही सवाल का जवाब पिछले दो तीन सवालों के पहले दिया था, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ। समझ लीजिए, समझ लीजिए कि आप पार्लियामेंट के एमपी बन गए, ऐसे नहीं होता है। देखो, एक सर्वसाधारण गृहिणी, घरवाली जिसको बोलते हैं ना, वाइफ, ये वाइफ हमसे बेहतर राजनीति कर सकती है, हमसे बेहतर राजकारण चला सकती है, हमसे बेहतर सरकार चला सकती है। एक साधारण औरत जो घर चलाना जानती है, वो महापौर पद यूं चलाएगी, यूं। ये सब बकवास है बाकी की। मेरा महापौर बनेगा तो मैं कितने दिन में करूंगा? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं, मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूं, ठीक है। एक सादी गृहिणी भी इस समस्या को दो दिन के अंदर सॉल्व कर सकती है, मेरे को छोड़ दो, मैं तो कचरा हूं। लेकिन एक सर्वसामान्य औरत जो घर चलाती है कि शौहर कितना पैसा ला रहा है, हम कितने पैसे ला रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन इसमें से कैसे होगा, घर का किराया कैसे दूंगी, पानी के लिए कितना पैसा खर्च करूंगी, जिसको ये समझता है उसको ये समझने को कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। मेरे सामने 20 साल में दूध नहीं करे सर, क्या बोलना है आप? देखिए वो बाकी आप देखिए, मेरे को कुछ नहीं लेना देना उससे।